गुलेरिया थाने की पुलिस ने ब्रजेश सिंह हत्याकांड के आरोपी राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 2 अप्रैल को ब्रजेश सिंह पुत्र स्वर्गीय गुप्तेश्वर सिंह निवासी नारायणपुर थाना गुलेरिया गोरखपुर की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में गुलेरिया थाने में शूटर राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह उर्फ राजू उर्फ शालू पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तान बिंद जिला अमृतसर पंजाब हाल मुकाम ग्राम पहाड़पुर थाना कोतवाली सदर जिला लखीमपुर खीरी, दूसरा सतनाम सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह उर्फ चिट्टू पुत्र फूलवंत सिंह निवासी दविंदर नगर तरन तारण रोड थाना सुल्तान बिंद जिला अमृतसर पंजाब हाल पता टिप्पनपुरवा थाना कोतवाली जिला लखीमपुर खीरी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनको बरेली जिला कारागार से पीसीआर पर लाकर आला कत्ल बरामद कराया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है, जिसमें बहादुर चौहान पुत्र सरजू चौहान निवासी जंगल औरही थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, दूसरा जितेंद्र सिंह पुत्र जोखन सिंह निवासी जडार थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियुक्त राजवीर सिंह उर्फ मलक सिंह के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा जघन्य अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गुलेरिया द्वारा ब्रजेश हत्याकांड जो कि दिनांक 2/4/2021 को हुआ था, उसमें शामिल शूटर राजवीर सिंह पुत्र रक्षपाल सिंह के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। अभियुक्त राजवीर सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था, बरेली जेल में उस समय बंद था। जैसे ही ये सूचना मिली, जानकारी मिली कि वो बेल करा करके जेल से बाहर आने वाला है, तो उसके ऊपर तत्काल एनएसए की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई। इससे पूर्व इसमें जितेंद्र सिंह व बहादुर सिंह पर भी एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है।